गॉट इट पे क्लिक करते हैं। गोमूत्र ठीक, आज चैप्टर नंबर 9 है, राजगुह योग यानी परम गुह ज्ञान यानी सबसे सीक्रेट ज्ञान यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, योग यानी भगवान से जोड़ना, किस तरीके से भगवान ने जो भी ज्ञान बताया है, जो सबसे सीक्रेट ज्ञान बताया है, उससे भगवान तक हम कैसे जोड़ सकते हैं, भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, भगवान से कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। श्री भगवान उवाच। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सुयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी नफरत नहीं करते, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते और मेरे परम भक्त हो, इसलिए जो ये जो मैं परम गुह ज्ञान सबसे सीक्रेट नॉलेज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस यानी अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के जितने भी कष्ट क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, उन सभी क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूँ, वह गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिससे तुम सभी क्लेशों से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है। जो यहाँ पे था इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान जो गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं, शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। ठीक है, आपने देखा होगा 9 प्रकार की भक्ति होती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे जब भक्ति योग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो 9 प्रकार की भक्ति होती है, नौटा भक्ति इसको कहते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत तक कब उठ पाएगा? जब ये 9 तत्व यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण इन 9 तत्वों का पालन करे और भगवान कृष्ण की भक्ति तक उठे, तो उसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति तक भक्ति अवश्य जागृत होती है। इस श्लोक का अनसुयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत श्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्याएं करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीका ही प्रामाणिक है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है तथा शुद्ध और दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता को ट्रांसलेट तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है और सब कुछ है ज्योति है ना, निराकार ब्रह्म को जो मानते हैं, सब कुछ ज्योति है, भगवान ज्योति से प्रकट होते हैं, वो जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या रखने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति कभी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं रखते, वही भगवान को समझ सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। आगे, राज विद्या राज गुहेयं पवित्र मिद मुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मे धर्मयं सुसुखं कर्तुमव्ययं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ अर्जुन, यह जितने भी विद्या है, जितने भी नॉलेज, उन सबका राजा है, उन सबका हेड है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितना भी रहस्य है, उन सबसे गोपनीय रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ अर्जुन, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा, यह ज्ञान जो है परम शुद्ध है, सबसे ज्यादा प्योर है, और यह ज्ञान है आत्मा की अनुभूति कराने वाला।
है ना, हमें मालूम चल पाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये जो ज्ञान है आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। अतः यह जो ज्ञान है यह धर्म का सिद्धांत है। क्या है? यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है। यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहने वाला है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, किया जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं अर्जुन को, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परंतप, जो लोग भक्ति में कभी श्रद्धा नहीं रखते, जिनकी कभी भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं रह सकती, वे कभी मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में, इस संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे लोग भव सागर से पार चले जाते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वे इसी संसार सागर में बार बार जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जितना भी जगत आप देख रहे हैं सब मैंने ही अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त किया है। समस्त जीव मुझ में वास करते हैं लेकिन समस्त जीव मुझ में वास करते हैं, मैं उनमें वास नहीं करता, समस्त जीव मुझ में वास करता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं उनमें स्थित नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि मैंने जितने भी वस्तुएं उत्पन्न की हैं वो मुझमें स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। प्रभु कहते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा जितने भी उत्पन्न वस्तुएं हैं सब मुझमें स्थित नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मैं सभी जीवों का भरता हूँ, उनका पालन करता हूँ और हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विशाल अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। ये मेरे अंश है, मैं जितने भी संसार को मैंने बनाया सब मेरे अंश है, मैं किसी का अंश नहीं हूँ। लोग समझते हैं मैं निराकार का अंश हूँ, मैं निराकार ज्योति से प्रकट होता हूँ, मैं उसका अंश मात्र हूँ। मैं अंश नहीं हूँ, मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, मेरे कारण तो सब जगत आते हैं, मैं किसी चीज का अंश नहीं हूँ। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जाऊं। भगवान कहते हैं कि कई लोग समझते हैं कि मैं किसी ज्योति का अंश हूँ, मैं किसी का अवतार हूँ, मैं किसी का ऐसे इस तरीके का चीजें हूँ। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं अंश नहीं हूँ, मैं कारण स्वरूप हूँ। मुझे अंश मत मानो, मैं कारण स्वरूप हूँ। मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को मैंने जन्म दिया है, संपूर्ण सृष्टि को मैंने ही व्याप्त किया है, मैं ही सबका पालन करता हूँ। मैं इस अभिव्यक्त विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, ये सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार प्रबल वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवों को मुझमें स्थित जानो, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से उत्पन्न होता है और जब मैं चाहता हूं इसको खत्म कर देता हूं और मेरी इच्छा से विनष्ट हो जाता है। प्रभु कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीपरि पर्वते जगदीर जगद्वी परिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भौतिक प्रकृति है यह मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता यानी मेरे लीडरशिप में काम करती है, और जिससे इससे क्या है, जितने भी चर प्राणी हैं, चलने वाले या न चलने वाले प्राणी हैं, वो सभी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह सृष्टि बार-बार जन्म लेती है, बार-बार इसका विनाश होता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि जब भी मैं अवतरित होता हूँ तो कुछ लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझे भगवान तक नहीं मानते, वे मेरे परमेश्वर के दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं।
राजा भगवान कहते हैं मूढ़ाशा मूढ़ कर्माणो मूढ़ ज्ञाना विजेतसा राक्षसी मा सुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। भगवान कहते हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहित ग्रस्त होते हैं, जो मुझे भगवान नहीं मानते, जो मुझ में शंका करते हैं, वे लोग आसुरिक स्वभाव के और नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित यानी अट्रैक्टिव होते हैं उनके प्रति, है ना। उनका ज्यादा मन आसुरिक स्वभाव और नास्तिक विचारों में रहता है कि भगवान नहीं होते, है ना, भगवान इस संसार में ना भगवान के है, सिर्फ और सिर्फ काम ही इसका कारण है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे लोग सोचते हैं। यह मोहग्रस्त अवस्था में, इस मोहग्रस्त अवस्था में मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म यानी किसके सकाम कर्म, जो व्यक्ति है जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भगवान को परमेश्वर नहीं मानता, तो उनकी मुक्ति और आशा सब खत्म, उनके सकाम कर्म का तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान ऐसा यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु क्या कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति मां श्रिता भजन्ते यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम वयेयम्। भगवान कहते हैं हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो मोह मुक्त महात्मा जन है, जो जानते हैं मेरी दैवी प्रकृति को, जो मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जो मेरे पूर्णता भक्त होते हैं, जो मेरी भक्ति में सदा निमग्न रहते हैं, वो हमेशा मुझे अविनाशी और आदि भगवान के रूप में, अनादि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं। और कौन ऐसा जानता है, जो मोह मुक्त महात्मा जन है ऐसे लोग जानते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो महात्मा होते हैं मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, नित्य गान करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर साथ में मेरा भजन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कौन भक्त, जो मेरी जो लोग भगवान को परमेश्वर के रूप में मानते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेदम पवित्रम ओमकार ऋक साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का माता हूँ, पिता हूँ, आश्रय हूँ, दादा हूँ, मैं ज्ञेय जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता हूँ, इस ब्रह्मांड का सबसे वृद्ध पितामह हूँ, मैं आश्रय हूँ, मैं गेट्स जानने योग्य हूँ, मैं शुद्धि करता हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं वेदों में ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं 9.18 में मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय हूँ मित्र हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ, मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही स्थित हैं। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ, हर मनुष्य का मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही धाम हूँ, मैं शरण स्थली हूँ और अत्यधिक प्रिय मित्र हूँ यानी दोस्त हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रलय हूँ, मैं सबका आधार हूँ, मैं आश्रय हूँ और मैं अविनाशी बीज हूँ, ऐसे भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन मैं ही ताप यानी गर्मी प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, वर्षा करता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ यानी सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं उनका पठन पाठन करते हैं, जो लोग सोमरस का पान करते हैं, कई लोग यहाँ पे सोचेंगे सोमरस यानी शराब होता है, ऐसा नहीं है, सोमरस यानी मीठे फलों का रस।
तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग मीठे फलों के रस का पान करते हैं, शुभ रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग लोक की गवेषणा करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग लोक जाते हैं और वहां जब तक उनके पुण्य कर्म रहते हैं वहां पे अपने कुछ दिन बिताते हैं स्वर्ग लोक में, है ना। और जब वहां पे जन्म लेते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र सार्वजनिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। प्रभु यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हुए उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, उन्हें स्वर्ग जैसे ग्रह मिलते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, वहां पे स्वर्ग में जाते हैं, है ना, और जब तक उनके पुण्य कर्म रहते हैं तब तक वो स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे उनके पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं वैसे ही वे मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जब मृत्यु लोक में जन्म ले लेते हैं तो वहां पे फिर से वो प्रयास करते हैं कि स्वर्ग जाए, फिर वहां से मृत्यु लोक में वापस जन्म लेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में वे फंस जाते हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार मनुष्य अच्छे काम करता हुआ स्वर्गीय धाम यानी एकदम अपर पहुंच जाता है स्वर्ग के धाम में, और फिर जैसे जैसे पुण्य कर्म खत्म होते हैं नीचे आ जाता है और अंत में फिर से मृत्यु लोक में जन्म ले लेता है, और ये साइकिल चलती जाती है। जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है इसी तरीके से व्यक्ति स्वर्ग लोक से नीचे की ओर गिरता है और मृत्यु लोक में जन्म लेता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, अनन्या सचिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अनन्य भाव अभिन्न भाव है ना, एकदम दिल की गहराइयों से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करके भगवान की जो पूजा करते हैं उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जो जो उनकी इच्छाएं होती हैं भगवान उन सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ भी उनके पास होता है ऐसे लोगों की वो चीज की भगवान रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनके सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूं और उनके पास जो कुछ पहले से है उन सारी चीजों की मैं रक्षा करता हूं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं ये पण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धाय श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कई लोग इंद्र की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसारिक जो भी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए, भगवान कहते हैं कि वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। आगे देखते भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यन्यान्ति पितृतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मधा रुचिनो अपि मा। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। प्रभु कहते हैं अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हीं के लोक में वास करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो लोग भगवान कृष्ण यानी मेरी भक्ति करते हैं वे लोग मेरे साथ निवास करते हैं, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ते विपरतम शरणामि प्रेतात्मनः। भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम के साथ पत्ता फूल पुष्प फल या जल भी प्रदान कर देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं संतुष्ट रहता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, यत्य करोषि यदश्च नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्य पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं
हे कुंती पुत्र, हे कौंते, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कहते हैं, हे कौंते, हे कौंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तुम काम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, जो दान देते हो या जो तपस्या करते हो, सभी कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। ऐसा प्रभु यहाँ पे करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामेदि द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए एक हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, वह मेरा परम मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान ऐसा करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यन्य भाग साधुरेव स मान्त्वया निसमय गव्य वसितो ही सह। भगवान कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महापापी हो, लेकिन वह निश्चय कर ले कि पाप कर्मों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में आएगा और उसके बाद एक भी पाप नहीं करेगा, भगवान के शरण में आके जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा पालन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा और हमेशा के लिए पाप कर्म को छोड़ने का अगर निश्चय कर लेता है और भगवान को परमेश्वर के रूप में मान लेता है तो उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि फिर से वो दोबारा पाप कर्म की ओर नहीं जाएगा। तो जो भी अगर जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन अगर भक्ति में वो आ जाता है, भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपराध करते रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए, नहीं। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य पाप कर चुका है लेकिन अब वो भगवान की भक्ति करना चाहता है तो उसके पिछले पाप धुल जाते हैं, है ना। लेकिन वो ये संकल्प लेना होता है कि आगे से 1% भी वो पाप नहीं करेगा, अन्यथा जो काम करेगा उसका 4 गुना पाप उसको झेलना पड़ता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, श्रीपम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगश्यति कौन्तेया प्रति जानीहि नामे भक्त्या भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है जो भगवान की शरण ग्रहण करता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति जो मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, वो धर्मात्मा बन जाता है, कैसा भी पापी हो अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे पाप रहित कर देता हूँ और स्थायी शांति को प्राप्त कराता हूँ। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ वैपाश्रित्या ये पिश्यु पापियो ने श्रीयो वैश्यास्त तथा शुद्रास्ते अपियांति परांगति। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, शुद्र हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति मजहब पंथ का हो, वह अगर मेरी शरण ग्रहण करता है और निश्चित रूप से मेरे परम धाम में आने के काबिल है। फिर आगे भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु वामा मावे वैश्यसी युक्त वैवमात्म नमत परायण। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे मन अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हारा मन भागता है, तो तुम अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं।
अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, यहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे युवा कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, उससे इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में और इस भवबंधन से छूटने का एकमात्र साधन है भगवान कृष्ण की परम भक्ति, जैसा भगवान ने श्लोक में समझाया है, पूरे चैप्टर में समझाया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई भाष्यकार भगवान कृष्ण के मंतत्व को भगवान कृष्ण को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते लोगों के सामने, तो इस तरीके से लोगों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहे, है ना, हमेशा जो नौका भक्ति बताई गई है उसका पालन करें और हमेशा परंपरागत गुरुओं के शरण में जाके भगवान कृष्ण के बारे में जाने और अपनी भक्ति को बढ़ाएं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो एड्रेस कर सकते हैं। कोई अगर चैट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में आप लोग प्रश्न लिखते आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं इस प्रश्न को ले लूंगा। कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ये क्लास यहीं एंड करता हूँ, और अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। प्रभु जी, हम मोह से मुक्त कैसे हों? देखिए, सबसे पहले तो मोह माया से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही कारण है, एक ही चीज हम सीख सकते हैं कैसे, किस तरीके से मोह माया से मुक्त हो, भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, भगवान की शरण में जाइए, भगवान अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित कीजिए, तभी हम मुक्ति संभव है। तभी हम मोह माया से मुक्त तभी हो सकते हैं जब भगवान के शरण में जाएं, अपने आप को सदा सर्वदा भगवान को अर्पित करते रहें, है ना, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें कि मेरे अंदर की जो मोह माया है सब हर लीजिए। हमेशा भगवान की शरण में जाएं, रोज एक माला का जाप करें, कम से कम मिनिमम एक माला का जाप करें। वैसे 16 माला का जाप सभी को करना चाहिए, नहीं तो सभी को कम से कम एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। सभी लोग 5 मिनट पूरे दिन भर में 5 मिनट निकाल के भगवान की, सभी पूरे परिवार एक साथ 5 मिनट निकाल के भगवान की भक्ति करे, 5 मिनट निकाल के भगवान का कीर्तन करे, भगवान की भक्ति से, भगवान को भोग अर्पण करके खाने से, है ना। तो ये सारी चीजों से ही हमारा मन मोह माया से दूर होता है, और मोह माया से मन तभी दूर होगा जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, जब भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन खाएंगे। तो वो सारी चीजों से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है, तो हम कभी भी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे वो एक कंपनी हो या एक घर हो या कुछ भी हो, या छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा चीज, उसका कोई ना कोई ऑनर होता है या उसको कोई गाइड करता है। बिल्कुल। बट जब हम लोग गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। जी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा अनलॉजिकल नहीं है? कैसे? जैसे हम बोले कि भाई ये बुक किसका है, तो ये बुक पीयूष का है, ये घर किसका है, रवि का है, लेकिन ये भगवान जो है, आखिर भगवान को कौन सिखा रहे, उनको कौन गाइड कर रहे, उनको कौन बता रहे? प्रभु जी, भगवान तो बिल्कुल जी, एक मिनट, इसमें हम एक चीज और मेंशन करना ये चाहेंगे। एक ऐसा तो टाइम होगा ना जब इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे आखिर ये भगवान नाम का कॉन्सेप्ट आ कहां से गया? ठीक, देखिए प्रभु,
सबसे पहले ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर भगवान को सारी चीजें कहाँ से मिल रही है, भगवान कौन है, भगवान से पहले क्या था, संसार क्या, संसार में क्या भगवान आए हैं पहले, ये सारी बहुत सारे डाउट्स आपको मैं समझ रहा हूँ। ये आम लोगों के डाउट होते हैं बेसिकली, जो लोग पहली पहली बार भक्ति में आए होते हैं, पहली पहली बार भगवान कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मैं बहुत दिन से इस्कॉन में हूँ और भी बहुत बहुत सारे फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट कोई भी इंसान मेरे इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए मैं यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका क्लियर करता हूँ और ये आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने अभी चैप्टर 9 पढ़ाया ना, इसी में इसका आंसर छुपा है, इसी को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आपने देखा होगा भगवान ने, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपने देखा होगा भगवान क्या करते हैं, हम भगवान के बारे में कैसे जानेंगे, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, क्या हम टीवी सीरियल से जानेंगे या उन लोगों से जानेंगे जो भगवान को कभी जानते नहीं, भगवान की कभी भक्ति नहीं करते, या हम उन चीजों से जानेंगे जो हमारे जैसे ग्रंथ है, अगर श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, श्रीमद् भागवतम की बात करें, या हमारे वेद पुराण जो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम भगवान के बारे में तभी कैसे जानेंगे, जब हम वेद पुराणों को फॉलो करेंगे, जब अपने गीता को फॉलो करेंगे, श्रीमद् भागवतम को फॉलो करेंगे, ये हमारे बुक्स हैं जहां से हम जान सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हमें ना तो जन्म के पहले कुछ मालूम था, ना मृत्यु के बाद कुछ मालूम होगी। जो भी चीज हम भगवान के बारे में जान सकते हैं वो चीजें कहाँ से जान सकते हैं, अपने ग्रंथों से जान सकते हैं, अपने वेद पुराण से जान सकते हैं, क्योंकि वही एक समझिए एक ऐसा चीज है जहां से हमें सारे इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। जिस प्रकार से साइंस की चीजें आप कैसे जानेंगे, क्या आप साइंटिस्ट से जाके पूछते हैं क्या कि तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, साइंस की जो भी चीजें जो नए नए इन्वेंशन होते हैं क्या आप साइंटिस्ट से जाके पूछते हैं बेटा तुमने क्या इन्वेंशन किया, किस प्रकार से तुमने कौन कौन से टेक्निक्स लगाई कोई भी चीज जानने के लिए, नहीं ना। उन चीजों के बारे में कैसे मालूम चलती है, मैगजीन्स में लेख निकलते हैं, किताबों से हमें मालूम चलता है साइंस के बारे में कि हाँ फलाना साइंटिस्ट ने ये इन्वेंशन किया तो इनको इसलिए नोबेल प्राइज मिला, अच्छा इन्होंने ये नया इन्वेंशन किया। अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया होता है उस चीजों को अपने जो हमारे डेली यूजेस की चीज है उसमें कन्वर्ट करते हैं और हम उनको यूज कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्रिज यूज करते हैं तो हम कभी पूछने जाते हैं क्या फ्रिज वाले से कि तुमने कैसे बनाया, मुझे सारा बना के दिखाओ, नहीं ना। उसके लिए गाइड बुक होती है, गाइड से हमें मालूम चलता है अच्छा तो बनाने वाले ने ऐसा बनाया, ओके इसके ऑनर इन्होंने, इसके ऑनर फलाना आदमी था, अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था, इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार जो सारी चीजें डिजाइन हुई, ये सारी चीजें हम करते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से हम किसी भी चीज को जानने के लिए, अगर हम मान लीजिए हमारे पास जो कुछ भी है, अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई ना कोई तो किसी का ना किसी का आइडिया होगा ना, किसी के दिमाग का आइडिया होगा, है ना, उनके अनुसार ही हम इन चीजों को जान पाते हैं। अब लैपटॉप कैसे ऑपरेट करना है ये हम जाके ऑनर से तो नहीं पूछेंगे, जो उन्होंने किताब प्रोवाइड की है सारी चीजें वहां से हम जान सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से भगवान के बारे में जानना हो तो भगवान के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान के द्वारा प्रोवाइड की गई जो बुक्स है, जो उनके द्वारा प्रोवाइड की गई वेद है, पुराण है, या अगर हम कहें कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो कि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने लिखी है, जो भगवान को जानते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो तप करके इतने उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि भगवान को जान सकते हैं, है ना, ऐसे लोग जो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक को भगवान ने, जो अगर मैं भगवद गीता की बात करूं, जब भगवान ने स्वयं बोली थी उस समय जो उपस्थित जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने भगवान के वचनों को सुना, त्रिकालदर्शी होने के कारण भगवान के शब्दों को कुरुक्षेत्र में सुना और उसको अपने अनुसार जो भी भगवान ने कहा उसको श्लोक को लिखा, उसके अलावा जो भी श्लोक का अर्थ उसको बताया कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, ना। तो इस प्रकार से वेद भी लिखे गए हैं, उसी प्रकार से जितने हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, भगवान को जानने का एक सबसे अच्छा मार्ग है हमारे वेद पुराण, वहीं से जान सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हम किसी गाइड बुक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भगवान के बारे में जानने के लिए हम वेद पुराण और अपने किताबों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान द्वारा प्रदान की गई, हमारे ऋषि मुनि द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। आपके अनुसार कि हम कैसे जाने भगवान को कौन आइडिया देता है, देखिए प्रभु जी आप अगर वेद पुराण पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि सारी चीज जानने के लिए हमें वेद पुराण पढ़ना अति आवश्यक है, वेद पुराणों में, और हमारे अगर मैं भगवद गीता की बात करूं, भगवद गीता में ही लिखा हुआ है ना। मैं भगवद गीता में अभी जो चैप्टर 9 मैंने बताया उसमें एक चीज है, वो चीज मैं भी आपको बताता हूं लेकिन बाद में, उससे पहले एक चीज बताऊं कि जो हमारे वेद पुराण है और भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि सारा संसार
जो पहले संसार था, जब कुछ नहीं था तब भी कृष्ण थे, और जब संसार मिट जाएगा तब भी कृष्ण है। ये चीज हमें माननी चाहिए। जिस प्रकार से हम मानते हैं ना कि जो मान लीजिए हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक, हम मानते हैं कि ये चीज करने से या जो भी गाइड हमको दिए गए, अगर वो चीज हम करेंगे प्रॉपर तरीके से हमारा लैपटॉप ऑपरेट होगा। उसी प्रकार से अगर हम जानना चाहते हैं कि भगवान के बारे में, तो भगवान के बारे में हम उनके किताबों से जान सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, हमें जो भी पार्टिकुलर किताबें, जो भी बुक्स हमें दी उनसे जान सकते हैं। तो उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान जब सृष्टि नहीं थी तभी भगवान थे, यानी भगवान सिर्फ एक है कृष्ण, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तभी कृष्ण थे। कृष्ण को किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आप आगे जाके गोलोक चार्ट पढ़ेंगे ना, गोलोक चार्ट में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, गोलोक चार्ट में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले गोलोक धाम आता है, ठीक है, गोलोक धाम में कृष्ण हमेशा अपनी गोपियों के साथ वास करते हैं, वहां पे राधा जी के साथ, राधा रमन जी के रूप में वास करते हैं कृष्ण जी, है ना, और वहीं से सारी चीजें ऑपरेट होती है। जब सृष्टि की रचना करनी होती है, जैसे यहाँ पे कहा गया ना इस अध्याय में, जब मैं चाहता हूँ सृष्टि की रचना कर देता हूँ, जब मैं चाहता हूँ इसका विनाश कर देता हूँ, मेरी इच्छा होती है मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मेरी इच्छा होती है मैं इसका विनाश कर देता हूँ। मतलब सब कुछ कंट्रोल करने वाले कौन है? कृष्ण। कृष्ण को कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पे भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि कृष्ण, यानी भगवान कहते हैं कि जो मुझको परमेश्वर के रूप में नहीं मानता वो मंदबुद्धि है। ये कहते हैं यहाँ पे, ये भी भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं मानता, जो मुझे भगवान के रूप में नहीं मानता, जो मुझे मानता है कि मैं जन्म लेता हूं या मैं किसी ज्योति से प्रकट होता हूं, ऐसे लोग मुझको नहीं जान पाते और ऐसे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन जो लोग मुझे जान जाते हैं, जो लोग मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उन्हें अपने परम धाम में रखता हूं। देखिए प्रभु जी, इस जो भी आपके प्रश्न है इसका सिंपल सा उत्तर है कि हम जो भी ज्ञान लें अपने वेद पुराण अपने किताबों से। सेकेंड थिंग उसमें लिखा है संसार से पहले भगवान थे, संसार के बाद भी भगवान रहेंगे, ठीक है। थर्डली जो आपका ये प्रश्न है प्रभु जी कि क्या भगवान को कोई कंट्रोल करता? नहीं, वो तो परम पुरुष हैं। भगवान कहते हैं ना मैं अहम परम पुरुषम अस्मि, मैं परम पुरुष हूँ, मुझसे भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई है नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना। जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझको प्रणाम करो और मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं ना मेरे शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, मेरे मुझे प्रणाम करो, अपना मन मेरे में स्थित करो और अपना ड्यूटी करो। तो मतलब यहाँ पे भगवान अपने आप को करे कि मैं ही सब कुछ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं। तो मतलब कि संसार के पहले भी भगवान थे, संसार के बाद भी भगवान होंगे, ठीक है। प्रभु जी आपको आंसर मिला कि और कुछ आपको जानना है? यस प्रभु जी सही है, हम समझ रहे हैं इन बातों को, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर ये भगवान का तो काम देखिए, हमको इस सब पे बिलीव है, जितने भी चीज लिखे हुए उन सारी बातों को मैं समझ रहा हूँ, मुझे उन सारी बातों पे बिलीव भी है, लेकिन मेरे मेरे माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि आखिर फैन है तो कोई उसको इन्वेंट किया है, लेकिन आखिर ये गॉड का कॉन्सेप्ट आ कैसे गया, मतलब गॉड आया कहाँ से? कोई तो गॉड के ऊपर होगा या उसके पीछे? देखिए प्रभु जी, सबसे पहले तो गॉड का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो गॉड आए नहीं, गॉड पहले भी थे, हमेशा से हम लोग आते जाते रहते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा और हम इसको एलिबोरेट करके समझते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम लोग जो है, जैसे अगर आप भगवद गीता पे, क्योंकि हमें क्या है कि किसी चीज पे विश्वास करना होगा, है ना। सबसे पहली चीज है, अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? अब बताइए कैसे हम जानेंगे भगवान के बारे में? जानना है तो बुक से जानेंगे या जो भी उनके सोर्सेस है, नॉलेज के सोर्स है, वहां से जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम जानेंगे तो अगर मान लीजिए हम किसी, जैसे हम, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी मशीन्स के बारे में जानना है तो कैसे हम जानेंगे? हाँ, उनका मेन्यू दिया हुआ रहता है कैसे इसको यूज करें, कैसे ऑन ऑफ करें, उस बुक को पढ़ते हैं। तो ये बिलीव सिस्टम होना चाहिए ना कि जो भी चीज लिखी है वो चीज 100% सत्य है। अगर कोई चीज लिखे कि इतना ये मशीन जो है 1000 वाट लेगा और इतना हमको हॉर्स पावर प्रोवाइड करेगा या पार्टिकुलर इतना पावर लेके इतना चीज प्रोवाइड करेगी, तो हम मानना पड़ेगा, हम जाके गिनते तो है नहीं मशीन में कि एक से हर पर सेकंड इतना रेवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये गिनते हैं क्या किसी मशीन में? कोई ऑपरेट करने वाली मशीन है? प्रभु जी जो इनोवेटर होते हैं ना, अगर उनको क्यूरियोसिटी है कि नहीं इस फैन में मैं कुछ और एड ऑन करूंगा, तो वो जानते हैं इसके बारे में? नॉर्मल पीपल नहीं जानते, सारे लोग नहीं जानते, बट 100 या 1000 में कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सप्लोर करते हैं। जी प्रभु, मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूँ, जैसे आप, हम सब कौन है, आम जन है, हम सब कैसे जानेंगे भगवान कौन है, कैसे जान पाएंगे? हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो इंटेलिजेंट है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आम लोग है। आम जनता कैसे जानेगी भगवान कौन है,
किस प्रकार से वो तो डॉक्टर ही जानेंगे, बट पर वो जो बात हमको समझ में आ रहा है, बल्कि मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर क्या किसी बुक में ऐसा कुछ प्रमाण दिया हुआ है, क्या किसी बुक में ऐसा कुछ लिखा गया है कि गॉड आया कैसे? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही ना, नहीं तो एक ही इंसान हमेशा गॉड क्यों है? उसके जगह को कोई भी तो रिप्लेस कर सकता है। लाइक प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कोई पढ़ लिख के नॉलेज लेके उसका एक कैपेसिटी है वहां पे रिच कर गया, बट ऐसा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक कॉन्सेप्ट या किसी बुक में होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि हमको पूरा भक्ति करके पहले गॉड को अचीव करना होगा, गॉड के पास जाना होगा, उसके बाद हमको उसका आंसर मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये बिल्कुल देखिए प्रभु जी, भगवान कृष्ण थे, वो ऐसा नहीं रिप्लेस हो सकते, ये कोई देवी देवता नहीं। कृष्ण हमेशा से थे, हमेशा से है, हमेशा ही रहेंगे, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हमेशा से थे, हमेशा से, इसका आंसर इसी में है। आपने चैप्टर 9 पढ़ा ना, भगवान कहते हैं ना मैं अविनाशी हूँ, भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, सदा रहने वाला हूँ, मैं पहले भी था, बाद में भी हूँ और अभी भी रहूंगा। आप पिछले चैप्टर्स में मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी, आप उसमें ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी, उसमें भगवान ने कहा है मैं अविनाशी हूँ। अभी चैप्टर 10 हम पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर 10 में भगवान अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताएंगे कि मेरे ऐश्वर्य क्या क्या चीज है। चैप्टर 11 में भगवान अपने दिव्य स्वरूप को दिखाएंगे, चैप्टर 11 में, जहां पे हम देख सकेंगे कि भगवान की दिव्य भूतियां है ना, हम देखेंगे कि उसमें जितने भी जीव हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग जितने भी व्यक्ति, सब भगवान के अंदर वास करते हैं। आप यूं समझिए कि जब ये संसार, यहाँ पे भगवान ने कहा है कि मैं जब चाहता हूँ संसार को बना देता हूँ, जब चाहता हूँ संसार को मिटा देता हूँ, यानी भगवान की इच्छा पे निर्भर है। भगवान एक ही है कृष्ण, अनेक नहीं, ऐसा नहीं कि आज कृष्ण है कल कोई और, भगवान का नाम कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं, उनके शरीर और आत्मा एक ही है, हम उनके अंश मात्र हैं, हम कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब हम उनके अंश मात्र हैं, हम कभी इस संसार में मनुष्य बन कर आते हैं, कभी पशु बन कर आते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण एक ही है, उनके अलावा कोई नहीं है, है ना। और ये शास्त्रों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे वहां पे प्रमाण है, श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। जब हम 18 डेज कंप्लीट करेंगे आप स्वयं जान पाएंगे प्रभु जी कि जो आप कह रहे हैं कि भगवान का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, भगवान को कोई बनाने वाला है, नहीं, भगवान स्वयं है, उन्होंने सभी चीजों को बनाया है, वही एक परम सत्य है, उनसे बड़ा कोई चीज नहीं, उनसे बड़ा परम सत्य कोई नहीं है, है ना। परमेश्वर क्यों कहते हैं भगवान को, परम ईश्वर, जो सबसे परम ईश्वर, जो सबसे बेस्ट है, है ना, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर, है ना, परमात्मा, सबका आत्मा, हम सबके जो परम है, हमारा हेड है कौन है, परमात्मा। यहाँ पे भगवान ही सब कुछ है, संसार से पहले भी भगवान थे, संसार के बाद भी भगवान रहेंगे। जी प्रभु, पूजा माता जी का प्रश्न है, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो कैसे बात करें, वो आपसे बड़े होंगे तो इन ऑफिस। ओके ओके, आई थिंक आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं दो चीज की बात करता हूँ, सबसे पहले की चीज, अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, आप जैसे कह रहे हैं कि कोई परेशान कर रहा है किसी चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप ऑब्वियसली बात, वहाँ पे कंप्लेन करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती हैं। हर ऑफिस में, अगर आप ऑफिस की बात करती हैं तो इन सारी एक डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज बात करूं कि अगर कोई ज्यादातर परेशान कर रहा है तो बात कैसे करें, है ना, कोई परेशान कर रहा है तो सबसे पहले एक चीज हम ये कर सकते हैं कि उनसे, इनको अवॉइड करें, है ना, उनसे ज्यादातर अगर कोई बार बार पीछा कर रहा है तो हम हमेशा उनको एक बार बता दें मिलके कि जो भी चीज आप सोच रहे हो या जिसके कारण परेशान करो, चीजें ना करें, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई बार बार परेशान करता तो इसे एक ही तरीका है, हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का यूज करके उसको हम मतलब कि उसको जो भी चीज है उसको हम पनिश करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, है ना। अगर कोई ज्यादा परेशान करता है तो जहां पे भी आप काम करते हैं वहां प्रॉपर तरीके का यूज करके अपना प्लेटफॉर्म, वहां पे प्रॉपर तरीके का आप एक्शन उनके खिलाफ ले सकती हैं, है ना। तो जो भी एक प्रॉपर हमारे पास प्लेटफॉर्म है और उस चीज का यूज कर सकते हैं, ज्यादा उन पर ध्यान मत दीजिए, अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को, है ना, और अपने वर्क, अपने काम पे ध्यान दीजिए। रूमा माता जी पूछ रही हैं, प्रमाण है विराट रूप भगवान के ऐश्वर्य। जी माता जी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा चैप्टर 11 में, सारी चीज प्रमाण है, जहां पे भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, है ना। संसार के पहले भी भगवान थे, संसार के बाद भी भगवान है, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण हमेशा से थे, हमेशा से, हमेशा से रहेंगे। जी माता जी,
हमें मानना होगा माता जी, बिल्कुल। अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें टीवी सीरियल से नहीं मिलेगा और अदर प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वेद पुराणों से मिलेगा, भगवद गीता श्रीमद भागवतम से मिलेगा। बिलीफ हमको करना पड़ेगा, जो उसमें लिखा है वो परम सत्य है, पत्थर की लकीर है। जब तक हम बिलीफ नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं मान सकते। भगवान जब स्वयं कर रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं संसार में वापस आते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं संसार में वापस आते हैं, मेरी पूजा करने वाले कभी नहीं आते संसार में वापस। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, है ना। संसार से पहले भी मैं था, संसार के बाद भी मैं हूँ। मैं अपनी मेरी इच्छा होती मैं संसार को रच देता हूँ, मेरी इच्छा होती संसार को विनष्ट कर देता हूँ। तो भगवान ही यहाँ पे मानना है, भगवान कृष्ण है ना, तो भगवान कृष्ण है ये परम सत्य है। तभी भगवान परम सत्य, परमेश्वर, परमात्मा सभी चीज बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भगवान परम सत्य है। या आप अगर कोई चैप्टर 5 से चैप्टर 8 नहीं पढ़ा तो आप एक बार देखिएगा वीडियोस, है ना। मैं फिर से वीडियोस डाल दूंगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है ना कि भगवान के बारे में। अभी हम चैप्टर 10 और 11 जब पढ़ेंगे तब और हम जान पाएंगे भगवान है कौन, वो सिर्फ कृष्ण है। तो अर्जुन भी यहाँ पे जान पाते हैं कि अरे ये तो भगवान है। फिर अर्जुन यहीं पे कहते भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, अगर मैंने गलती से भी कोई गलती कर दी हो, आपका अपमान हो गया हो, हे मित्र, मित्र के रूप में मेरा अपमान हो गया, आपका अपमान हो गया हो, तो हे भगवान मुझे क्षमा कर दे। ये सारी चीज भगवान कहेंगे यहाँ पे। जी रुमा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, और किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, और कल भी पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है, जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को।